इंडियन रेड स्नेक बहुत ही बड़ा साइज का है, आदमी देख के डर जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये जहरीला नहीं है, लेकिन ये इंडियन रेड स्नेक है। वैसे तो ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन सांप से नहीं, सांप के नाम से आदमी डरते हैं। और ये दिखाते हैं, इतना बड़ा है। ये इंडियन रेड स्नेक जो कि जहरीला नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा साइज का है और इंसान देखने भी डर जाते हैं। बहुत ही, इसको एक नाम घोड़ पछाड़ भी है, इतना बड़ा साइज का है ये। इतना बड़ा साइज का सांप तो देख के आदमी डर जाता है, बाकी तो बात छोड़िए। लगभग मेरे इतना बड़ा है। क्या करें और कतरा भैया, चूहे की तलाश में अक्सर घर में चले जाते हैं। और एक तरफ ये किसान का बहुत बड़ा साथी है, जो कि खेत में चूहा जो फसल को नष्ट करता है, तो उसे ये खा के फसल को नुकसान होने से बचाता है। कितना बड़ा है ये इंडियन रेड स्नेक, लगभग 2.5 किलो का होगा ये। और काफ़ी फिसलन भरा है ये, इसे हम जंगल में रिलीज करेंगे। वैसे तो ये जहरीला नहीं होता है, अगर ये काट ले तो इंसान डर से इंसान मर जाते हैं, जहर से नहीं मरते क्योंकि इसमें जहर ही नहीं होता है। अगर इसी की जगह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि गोहमन है वो अगर मिल जाए तो वो जहरीला सांप है। लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में लोग सांप से नहीं, सांप के नाम से डर जाते हैं और डर से मर जाते हैं। कोई भी सांप काटता है वजह धामी के पास जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक वीडियो हम बताते हैं। तो कोई भी सांप हो तो उसे काटे तो तुरंत डॉक्टर जाए, डॉक्टर के पास जाए, सरकारी अस्पताल जाए। उसका एक इलाज एंटी वेनम सीरम है, अगर जहरीला सांप काटे तो। अगर बिना जहर का है तो उसका एक निशान पड़ता है, जहरीला सांप का काटने का निशान दो बाइट रहता है, लेकिन ये सांप अगर काटेगा इसमें बाइट नहीं रहता है, ये एक खरोंच की तरह रहता है, इसे काटने वाला दांत ही नहीं है और इसमें 20 ग्रंथि भी नहीं है जो कि ये इंसान को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आदमी डर के मारे इसे मार देते हैं, इसे मारना नहीं चाहिए। ये बहुत ही तेज धावक सांप है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर इसे देखें तो ये बहुत ही तेज़ी से भाग सकते हैं, इतनी तेज़ी से कि लगभग इसीलिए इसे घोड़ पछाड़ भी कहते हैं, इतना तेज़ी से ये भाग सकते हैं। इसलिए इसका नाम घोड़ पछाड़ भी रखा गया है, क्योंकि ये घोड़े जैसा तेज है, फुर्तीला है और मजबूत भी है। तो लोगों का अंधविश्वास के चक्कर में कहना है कि ये सांप अक्सर जो गाय दूध देती है उसे ये बांध के उसका दूध पीते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर अंधविश्वास है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा में, और सांप को प्रोटीन पचाने का क्षमता नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन हड्डी वाले जानवर के लिए है, इसके अंदर हड्डी नहीं होता है। अगर गलती से भी कोई सांप दूध पी ले, क्योंकि सांप को प्यास लगता है और वो पानी पीता है, तो पानी के दूध को पानी समझ के ये कभी कभी पी लेते हैं। अगर जो सांप दूध को पानी समझ के पीते हैं तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता है और वो सांप मर जाते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि ऐसा कुछ नहीं करें, सांप को दूध पिलाने का कोशिश ना करें, क्योंकि सांप के लिए दूध बहुत ही जहरीला है। और ये सरासर अंधविश्वास है कि ये गाय को या फिर आदमी को ऐसे लपेट के उसका दूध पीता है, ये सरासर अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सरासर एक अंधविश्वास है, वैसे अंधविश्वास के चक्कर में ये जीव सुरक्षित है, इसे रहने दें और पर्यावरण
जिंदा रहना इसका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ते हैं और जाने देते हैं। Thank you.